स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पूरा वनस्पति विज्ञान। इसको कुछ टॉपिक तो हमने इसका पढ़ लिए थे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसका एक टॉपिक ले रहे हैं, साइलोप्सिडा जो वर्क है उसका साइलोटम ये ले रहे हैं। इसमें एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में छोटा क्वेश्चन भी आता है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर बॉटनी के वीडियो और जूलॉजी के बीएससी लेवल के वीडियो देखने को मिलेंगे। कंपटीशन के हिसाब से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो साइलोप्सिडा पढ़ते हैं, साइलोटोप्सिडा, साइलोटम। तो इसको साइलोटम को विस्क फर्न भी कहते हैं। एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है, विस्क फर्न किसे कहते हैं, तो साइलोटम है इसका आंसर। साइलोटम को विस्क फर्न भी कहते हैं। और फिर वर्गीकृत स्थिति पूछी जाती है, जैसे आपको प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में वगैरह में भी ये याद रखने होते हैं। तो प्रभाग कौन सा है इसका, साइलोफाइटा। वर्ग कौन सा है, साइलोप्सिटा। और गण कौन सा है, साइलोटेलिज। कुल है साइलोटेसी और वंश है साइलोटम। फिर वितरण और प्राप्ति स्थान नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके पादप शरीर के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कैसा होता है। तो बीजाणुद्भिद पादप शरीर होता है, ये ध्यान होना चाहिए, जो भूमिगत प्रकंद और बाह्य परों में विभेदित होता है। एक तो भूमिगत प्रकंद, उसको तो हम कहते हैं राइजोम। राइजोम में देख तो ये देख सकते हैं आप डायग्राम में राइजोम। और वायव्य प्रो एरियल सूट में, ये एरियल सूट, ये वायव्य प्रो हो गया। प्रकंद तो प्रकंद में क्या होता है, राइजोम में देखते हैं, तने का भूमिगत भाग अनियमित रूप से, तने का जो भूमिगत भाग होता है उसको हम प्रकंद बोलते हैं, अनियमित रूप से शाखित और भूरे रंग का होता है, और जिस पर कई लंबे भूरे रंग के मूलाभास राइजोइड होते हैं। तो इसके ऊपर राइजोइड होते हैं, मूलाभास होते हैं, ये डायग्राम में दिखा रखा है। तो प्रकंद की कोशिका में अंत्य कोशिका कवक तंतु पाए जाते हैं, इसके अंदर कवक तंतु भी पाए जाते हैं। प्रकंद से कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि कर वायव्य शाखाओं में बदल जाती हैं, ये वायव्य शाखाओं में बदल जाती हैं। और प्रकंद पर जड़ें वे पत्तियाँ अनुपस्थित होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकंद पर जो जड़ है, रूट्स है और पत्तियाँ हैं, वो अनुपस्थित होती है। फिर वायव्य प्रो ऊपरी भाग में देखते हैं, ये उर्ध्व हरे रंग का होता है, उर्ध्व सीधा। शाखाएं आभासी तौर पर नियमित, शाखाएं आभासी तौर पर तो नियमित रूप से द्विशाखित होती हैं, और नीचे की ओर ये एक दूसरे से समकोण बनाती हैं, एक दूसरे से समकोण पर व्यवस्थित हैं। फिर प्रिंटल के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार क्या अलग अलग दे रखी थ्योरी। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो ही हम देख रहे हैं। फिर पार्श्व उपांग या पर्ण, तो पार्श्व उपांग में क्या है, साइलोटम नुडम के वायव्य तने पर अनेक छोटे सल्क समान पार्श्व उपांग उपस्थित होते हैं, जिन्हें पर्ण कहते हैं। पार्श्व उपांग होते हैं जिनको हम पर्ण कहते हैं। फिर पर्ण तने के निचले वाले भाग में व्यवस्थित रूप से नहीं निकलती है, परंतु त्रिकोण या ऊपरी शाखाओं पर मोटे रूप से सर्पिलाकार क्रम में निकलती है। पर्ण भी होती है, तने के ऊपरी भागों में पर्णों के साथ त्रिपालित बीजाणुधानियां या सह बीजाणुधानी उपस्थित होती है, ये इम्पोर्टेंट है कि तने के ऊपरी भागों में पर्ण के साथ त्रिपालित बीजाणुधानियां या सह बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। फिर है प्रकंद की आंतरिक संरचना, प्रकंद की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकंद की आंतरिक संरचना हमें पता होनी चाहिए। अधिचम या बाह्य त्वचा, इंग्लिश में एपिडर्मिस, यह एक परतीय तथा वर्गाकार या आयताकार मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती है। अधिचम हमेशा आप देखेंगे कि मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती हैं, और इसकी बाहरी सतह पर क्यूटिकल की परत उपस्थित होती है, ये इम्पोर्टेंट है कि क्यूटिकल पाई जाती है या नहीं, ये पता होना चाहिए। और रंध्र स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, ये डायग्राम में दिखाया गया, ये क्यूटिकल पाई जाती है, ये एपिडर्मिस है। और ये फंगल हाइफी इसके अंदर पाई जाती है, ये अंदर वाला स्तर एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल फाइलम जुलोम के, फाइलम और जाइलम के, फाइलम जाइलम के बाहरी जो स्तर होती है वो पेरिसाइकिल होती है, और इसके ऊपर एंडोडर्मिस पाई जाती है। ये साइलोटम प्रकंद का टीएस अनुप्रस्थ काट है। वलकुट में बाह्य त्वचा के नीचे यह एक विस्तृत क्षेत्र के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसे तीन भागों में विभेदित करते हैं। बाह्य वलकुट होता है आउटर कॉर्टेक्स, यह पतली भित्तियुक्त सहित मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाओं में अंत्य पादपीय कवक मूल एंडोफाइटिक
माइकोराइजा पाई जाती हैं। फिर मध्य वल्कुट होता है, ये पतली भित्तियुक्त स्टार्च से भरी हुई मृदु तक की कोशिकाओं की बनी होती हैं। फिर आंतरिक वल्कुट है, इसकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी व टैनिन युक्त होने के कारण भूरे रंग की होती हैं। फिर इस तरह होता है अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस, तो यह एक परत मोटी बड़ी ढोलकाकार तथा कैस्पेरियन पट्टिकाओं युक्त कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। तो जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है वो अंतस्त्वचा पर पाई जाती हैं। ये भी एग्जाम में पूछने लगे क्वेश्चन होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके नीचे होता है परिरंभ, यह भी एक परत स्तर का होता है तथा यह रंभ का सबसे बाहरी आवरण है। रंभ यानी जाइलम और फ्लोएम के सबसे बाहरी जो आवरण होता है सबसे वो परिरंभ कहलाते हैं। फिर है रंभ स्टील, यह ठोस रंभ प्रोटोस्टील होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ठोस रंभ के बारे में, जो एक स्तरीय परिरंभ से घिरा रहता है। रंभ के केंद्रीय भाग में स्थित वाहिनिकाओं से बना जाइलम पूर्ण रूप से चारों ओर से फ्लोएम से घिरा रहता है। ये था साइलोटम के जो स्तंभ प्रकंद की आंतरिक संरचना। आगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।